हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक राजा था, उसका एक बड़ा सा राज्य था। एक दिन उसे देश घूमने का विचार आया और उसने देश भ्रमण की योजना बनाई और घूमने निकल पड़ा। जब वह यात्रा से लौटकर अपने महल आया, उसने अपने मंत्रियों से पैरों में दर्द होने की शिकायत की। राजा का कहना था कि मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे वे मेरे पैरों में चुभ गए और इसके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद राजा ने अपने सैनिकों व मंत्रियों को आदेश दिया कि देश की संपूर्ण सड़कें चमड़े से ढक दी जाएं। राजा का ऐसा आदेश सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन किसी ने भी मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह तो निश्चित ही था कि इस काम के लिए बहुत सारे रुपए की जरूरत थी, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद राजा के एक बुद्धिमान मंत्री ने एक युक्ति निकाली। उसने राजा के पास जाकर डरते हुए कहा कि हे राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ, जिससे आपके इतने रुपयों को अनावश्यक रूप से बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। तो एक अच्छी तरकीब मेरे पास है, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और अनावश्यक रुपयों की बर्बादी भी बच जाएगी। राजा आश्चर्यचकित था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आज्ञा न मानने की बात कही थी। उसने कहा, बताओ क्या सुझाव है। मंत्री ने कहा कि पूरे देश की सड़कों को चमड़े से ढकने के बजाय आप चमड़े के एक टुकड़े का उपयोग करके अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते। राजा ने अचरज की दृष्टि से मंत्री को देखा और उसके सुझाव को मानते हुए राजा ने अपने लिए जूता बनवाने का आदेश दे दिया। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है कि हमेशा ऐसे हल के बारे में सोचना चाहिए जो ज्यादा उपयोगी हो और जल्दबाजी में नहीं लिया गया हो। अप्रायोगिक हल सोचना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरों के साथ बातचीत करने से भी अच्छे हल निकाले जा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।